जय श्री महाकाल दोस्तों, ज्योति जगत के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक में हम देखेंगे कि कुंडली में किन भावों के माध्यम से लव मैरिज देखी जाती है, कि लव और मैरिज ये दो अलग अलग प्रकार के शब्द हैं, तो किस कारण से लव होता है और किस कारण से मैरिज हो जाती है, और लव मैरिज जो होती है वो अधिकतर अनसक्सेस क्यों हो जाती है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सभी लव मैरिज अनसक्सेस हो जाती है, लेकिन ये देखा गया है कि अधिकतर लव मैरिज जो होती है वो अनसक्सेस हो जाती है, तो उसका कारण क्या है ये हम इस एपिसोड में देखेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं ज्योति जगत बाय देव निरंजन। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि कुंडली में प्रेम का कारण क्यों होता है, किस कारण से प्रेम हो जाता है किसी से। तो उसका कारण यह है कि जो कुंडली का दूसरा भाव होता है या फिर कुंडली का जो पांचवा भाव होता है उसके कारण से प्रेम की स्थिति बनती है। अगर दूसरे भाव पर या पांचवे भाव पर राहु की दृष्टि आ जाए या फिर राहु वहाँ पर स्थित हो और गोचर के अंदर वो बलशाली हो जाए, या फिर राहु की दशा या अंतर दशा आ जाए और दूसरे और पांचवे भाव को प्रभावित करे, इसके कारण से प्रेम हो जाता है। अब इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जो राहु होता है वो किसी भी ग्रह को या फिर किसी भी भाव को इतना प्रभावित कर देता है कि सिर्फ राहु की माया ही नज़र आती है, और जो दूसरा भाव है और जो पांचवा भाव है, खासतौर से पांचवा भाव जो होता है वो बुद्धि का, ज्ञान का कारक कहलाता है, आपकी शिक्षा का कारक भी कहलाता है। तो दूसरे या पांचवे भाव पे जब राहु आ जाता है तो राहु अपनी माया के द्वारा उसको इतना प्रभावित कर देता है कि व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के अलावा कुछ नज़र नहीं आता है और वो उसको प्रेम हो जाता है और एक प्रकार का अजीब सा आकर्षण उसको उत्पन्न हो जाता है। इस कारण से राहु को हम प्रेम का कारण मान सकते हैं। तो दोस्तों दूसरे भाव और पांचवे भाव के माध्यम से देखा जाता है कि अगर राहु उस भाव को इफेक्टेड कर रहा है तो ही प्रेम का कारण बनेगा और दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षण का भाव बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई है कि बृहस्पति की दृष्टि वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर बृहस्पति राहु को देख रहा है तो फिर वो ऐसा योग बना सकता है कि या तो प्रेम ही उत्पन्न न हो, या फिर प्रेम अगर उत्पन्न हो भी जाए तो फिर वो उस व्यक्ति से उत्पन्न हो जो उसके लेवल का है, उसके स्टैंडर्ड का है। तो इस कारण से सिर्फ राहु के कारण ही कुंडली के अंदर प्रेम का योग बनता है। दोस्तों अब देखते हैं कि कुंडली में विवाह का कारण क्या होता है। दोस्तों जब कुंडली में सप्तमेश की दशा या अंतरदशा आती है, या फिर बृहस्पति की दृष्टि जब सप्तम भाव पे पड़ती है, या फिर बृहस्पति की दशा या अंतरदशा आती है, तब कुंडली में विवाह के योग बनते हैं। उसका कारण ये है कि जो बृहस्पति ग्रह है वो परिवार का कारक कहलाता है और परिवार को आगे बढ़ने में उसका योगदान रहता है। इस कारण से बृहस्पति विवाह का प्रमुख कारण माना जाता है। इसके अलावा शुक्र का भी इसमें योगदान होता है। शुक्र की जब सप्तमेश के साथ में युति हो जाती है या सप्तम में गोचर करते हुए वो सप्तम भाव से गुजरता है या फिर उसकी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ जाती है तो भी विवाह का कारण बनता है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि प्रेम विवाह विवाह असफल क्यों हो जाते हैं। तो दोस्तों उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कुंडली का जो दूसरा और पांचवा भाव है उससे प्रेम को देखा जाता है और सातवें भाव को विवाह का कारक माना जाता है। सातवें भाव से देखा जाता है कि उसका विवाह किस प्रकार का रहेगा। दो व्यक्तियों के मेल का जो भाव होता है वो सातवां भाव कहलाता है। तो जब सातवां भाव क्रूर ग्रहों से इफेक्टेड हो जाता है, जैसे कि मंगल है, शनि है, सूर्य है, या फिर राहु का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, राहु की दशा या अंतरदशा समाप्त हो जाती है, तो फिर व्यक्ति के आंखों से पर्दा हट जाता है और राहु की जो माया होती है वो समाप्त हो जाती है। इस कारण से जो आकर्षण होता है वो समाप्त हो जाता है और प्रेम विवाह असफल हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर यह भी बात गौर करने लायक है कि प्रेम विवाह के लिए दोनों व्यक्तियों का राहु बलवान होना चाहिए, दोनों व्यक्तियों का बृहस्पति बलवान होना चाहिए और शुक्र बलवान होना चाहिए, जब जाके प्रेम विवाह के योग बनते हैं। दोस्तों राहु ही एक दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव उत्पन्न करता है और जब राहु की दशा या फिर अंतरदशा समाप्त हो जाती है या फिर वो गोचर से निकल जाता है और दूसरे और पाँचवें भाव को इफेक्टेड करना बंद कर देता है तो राहु का आकर्षण भी समाप्त हो जाता है। राहु का आकर्षण कभी ना कभी समाप्त तो होता ही है और राहु का जब आकर्षण समाप्त हो जाता है तो प्रेम भी समाप्त हो जाता है। इस कारण से जो प्रेम विवाह होते हैं वो अधिकतर असफल होते हैं।
दोस्तों पहले के जमाने में कुंडली को मिलाया जाता था, उनके गुण अवगुण मिलाए जाते थे, ये देखा जाता था कि वो मांगलिक है कि नहीं है। इसके अलावा ये भी देखा जाता था कि नवमांस के अंदर उसी क्या स्थिति है, किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, महादशा चल रही है, राहु की पोजीशन क्या है, तो इन सभी का मिलान पहले के ज़माने में किया जाता था। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं होता है, बिना कुंडली मिलाए ही विवाह कर दिया जाता है और फिर बाद में उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र एक प्रकार का विज्ञान है और कुछ लोग उसको अंधविश्वास समझते हैं, तो उनके समझने ना समझने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ग्रहों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में कौन क्या सोचता है, वो तो अपना फल देते ही हैं। तो जब विवाह में परेशानियां उत्पन्न होती है, जब कुंडली लेकर लोग बाग पंडितों के पास भागते हैं, ज्योतिषियों के पास भागते हैं और बताते हैं कि हमको ये दिक्कत आ रही है, हमारे आपस में बनती नहीं है या फिर बात तलाक तक पहुँच जाती है, तो दोस्तों इससे अच्छा है कि जब विवाह किया जाए, जब उसी समय पर ही कुंडली का मिलान कर लिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और भविष्य में सारी प्रकार की जो परेशानी आती है विवाह से संबंधित, उससे बच सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का अंक। इसमें हमने देखा कि लव के और मैरिज के और लव मैरिज के क्या क्या योग कुंडली के अंदर बन सकते हैं। अगर आपको ये अंक पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। अगले अंक तक के लिए जय श्री महाकाल।